अपन लास्ट टेंस देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देख के पहचान इसके अंदर इसकी पहचान भी ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हुआ करती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि समय के साथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इस टेंस के अंदर आपको दो प्रकार का टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, वो अपन रूल के अंदर देखेंगे। पहले अपन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए इस साल के अंत तक 7 साल हो रहे होंगे, हो रहे होंगे भी कर सकते हैं और हो जाएंगे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास में दो प्रकार का टाइम दे रखा है इसमें। एक तो दे रखा है कि इस साल के अंत तक, और एक टाइमिंग दे रखा है 7 साल। तो किस प्रकार से अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं इसके अंदर। वर्ब के रूप के अंदर अपने को विल या शेल, हैव, बीन, देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को काम में लेना है, फिर ऑब्जेक्ट काम में लेना है, और फिर अदर वर्ड्स को काम में लेना है। तो सबसे पहले तो इस वाक्य का सब्जेक्ट का मुझे, आई, इसके बाद में शेल, हैव, बीन तक की वर्ब अपने को लगा देनी है। तो आई, शेल, हैव, बीन और मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, तो हो जाएगा टीचिंग। आई शेल हैव बीन टीचिंग। अदर वर्ड्स के अंदर अपन प्लेस पहले लिखते हैं, टाइमिंग बाद में लिखते हैं। तो प्लेस यहां पर दे रखा है इस स्कूल में, तो आई शेल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। इसके बाद में अपने को पीरियड ऑफ टाइम लिखना है। पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो हमेशा फॉर के साथ में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आई शेल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस प्रकार से अपन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो इसके अंदर एक ही रूल है कि वाक्य में फोर के साथ कुल समय अवधि दी जाती है और बाई या टिल के साथ समय की समाप्ति को दर्शाया जाता है। दो प्रकार का टाइमिंग रहेगा, एक तो फोर के साथ में कुल पीरियड ऑफ टाइम रहेगा और दूसरा बाई और टिल के साथ में एंड ऑफ टाइम बताया जाएगा, समय की समाप्ति बताई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर खाली जगह दे रखा हो, ब्रैकेट में दे रखा हो कुक फूड फॉर 1 आवर बाय 10 o'clock। दो प्रकार का टाइमिंग है, एक तो फोर के साथ में टाइम दे रखा है और एक बाई के साथ में समय की समाप्ति को बता रहा है। ये मुख्य पहचान होती है। यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया और आपको ये दो प्रकार का टाइम मिलता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का उपयोग वहां पर कर लीजिए। तो माई मदर
will have been cooking food for 1 hour by 10 o'clock. इसका मतलब होता है कि मेरी माँ को 10 बजे तक खाना पकाते हुए एक घंटा हो जाएगा या हो रहा होगा. इसी तरह से अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं. कशी खाली जगह दे रखी हो, ब्रैकेट के अंदर दे रखा हो शॉप फॉर 2 hours by noon. शी खाली जगह शॉप फॉर 2 hours by noon. तो देखिए यहां पर एक तो समय की समाप्ति बता रखा by noon और एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा 2 hours. तो ऐसे में अपन वर्ब यहां पर काम में लेंगे कि शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 hours by noon, यानी उसे दोपहर तक शॉपिंग करते हुए 2 घंटे हो रहे होंगे. यानी 2 घंटे की जो समय अवधि है वो यहाँ पर आने के बाद में ख़त्म होगी. तो इस प्रकार का टाइमिंग अपने को इस टेंस के अंदर देखने को मिलता है. ये अपना पूरा टेंस का चैप्टर था जिसके अंदर अपन ने तीनों प्रकार के टेंस, उनके यूजेज, उनके वर्ब्स और उनकी पहचान के बारे में बातें की. देखिए टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इसके अंदर करनी पड़ती है. जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप इसके अंदर करेंगे और जितने ज़्यादा आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतना ही आपके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा. आपके मटेरियल जो भी होता है आपके पास में उसके अंदर अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए. पुराने जो पेपर्स दे रखे होते हैं उन पेपर्स को भी आप देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न उसके अंदर पुटअप हो रखे हैं. कुल 8 प्रकार के प्रश्न आएंगे और उन 8 क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ही आपके 4 नंबर उसके अंदर फिक्स हैं. कहीं पर भी गलती हो गई तो इसके अंदर डायरेक्ट मार्किंग कट हो जाती है. इसलिए अपने को हर एक टेंस के यूजेज, उसके वर्ब्स, उसकी पहचान के बारे में पता होनी चाहिए. टेंस से रिलेटेड अपन एक एक्सरसाइज देखते हैं. ये एक मिक्स टेंस की एक्सरसाइज है. आपको हर एक टेंस को पढ़ करके उसके अंदर पहचान भी देखनी है और बताना होगा कि उस खाली जगह के अंदर किस प्रकार के वर्ब का उपयोग होगा. देखिए अपन पहला टेंस देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं. दे रखा है आई खाली जगह टेक टी बिफोर आई खाली जगह दे रखा गो टू बेड. इस वाक्य को यदि अपन देखें तो वाक्य के अंदर क्या पहचान दे रखी है, बिफोर. यदि 2 वाक्य बिफोर से जुड़े हुए रहते हैं तो अपन कौन सा टेंस काम में लेते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस को. बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब को अपन पहले खाली जगह के अंदर काम में लेंगे. तो यहां पर हो जाएगा कि आई हैड टेकन टी बिफोर आई. दूसरे वाक्य के अंदर पास्ट सिंपल टेंस के वर्ब को काम में लेंगे जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो यहां पर अपन काम में लेंगे वेंट टू बेड. इसका मतलब क्या होता है वाक्य का, बिफोर आई वेंट टू बेड यानी सोने के लिए जाने से पहले मैं चाय ले चुका था. एक काम पहले और दूसरा काम बाद में बता रखा है इसके अंदर. यानी पहले चाय ली है उसके बाद में बिस्तर पर गया है. सेकंड सेंटेंस देखिए, दे रखा है माय फादर खाली जगह दे रखा है वाटर द प्लांट देन सडनली द रेन स्टार्ट. इस वाक्य को पढ़िए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टेंस इसके अंदर काम में आएगा, कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई होगा. देखिए 2 सेंटेंस दे रखे हैं. इसके अंदर एक काम तो जारी था और दूसरा काम उस जारी काम के अंदर रुकावट डालने वाला था. तो जो काम जारी था उसको तो अपन कौन से टेंस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. और रुकावट डालने वाले वाक्य को कौन से टेंस में लिखेंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर.
तो हम यहां पर देखते हैं कि पहला जो वाक्य दे रखा है, ये काम जारी रहने की बात बता रहा है कि माई फादर वाज वाटरिंग। वाटर अपने आप के अंदर नाउन भी है और वर्ब भी है। वाटर का मतलब पानी देना भी होता है और वाटर का मतलब केवल पानी भी होता है। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी बन सकती है और आईएनजी फॉर्म भी बनेगी। तो माई फादर वाज वाटरिंग द प्लांट देन सडनली द रेन स्टार्ट। तो ये काम जारी था कि पिता पौधों को पानी दे रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तो पानी देने के काम के अंदर रुकावट आ गई और रुकावट वाले वाक्य को अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा स्टार्टेड। तीसरा सेंटेंस द प्रोग्राम, खाली जगह दे रखा है फिनिश बिफोर आई खाली जगह रीच टू स्कूल। ऊपर वाला पहला सेंटेंस देखेंगे तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस के अंदर एक सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी यह है कि यह वाक्य भी अपने को बिफोर से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार होता है कि अपने सामने एक ही प्रकार के सेंटेंस होने के बावजूद भी अपन गलतियां कर देते हैं। तो आपको वाक्य को यदि पहचानना आ गया तो फिर चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य दिया हुआ हो, आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर बात बताई गई थी, बिफोर के पहले अपने को पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है, तो यहाँ पर तो अपन काम में लेंगे हेड फिनिश्ड। कभी प्रोग्राम हेड फिनिश्ड बिफोर आई, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का उपयोग होगा, रीच्ड टू स्कूल। इसका मतलब होता है वाक्य का कि मेरे स्कूल पहुँचने से पहले प्रोग्राम समाप्त हो चुका था। यानी एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम बाद में। तो पहला काम कौन सा हुआ? प्रोग्राम के ख़त्म होने का। बाद वाला वाक्य कौन सा, कार्य कौन सा हुआ था? स्कूल पहुंचने का। तो जो काम बाद में हुआ है वो सेकंड फॉर्म के अंदर, जो पहले हो चुका है वो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, माई नेबर खाली जगह राइट नॉवल्स फॉर 5 ईयर्स। आप देखिए यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है फोर के साथ में। फोर और सिंस के साथ में यदि टाइमिंग दी हुई रहती है तो आप उसको कौन से टेंस के अंदर लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, जिसके अंदर फोर और सिंस के साथ में टाइमिंग दिया हुआ हो और काम के जारी रहने की बात बताई गई हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब कौन सी काम में ली जाती है? हैज या हैव के साथ में बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को काम में लेते हैं। तो अपन यहां पर लिखेंगे कि माय नेबर, माय नेबर सिंगुलर है, नेबर्स नहीं है, इसलिए हैज का उपयोग किया जाएगा कि माय नेबर हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि मेरा पड़ोसी 5 साल से उपन्यास लिख रहा है। इसका मतलब है कि उपन्यास लिखने का कार्य उसने 5 साल पहले शुरू किया था और वह कार्य अभी भी जारी है। पांचवा सेंटेंस देखिए, दे रखा आई खाली जगह लर्न ऑल द टेंसेज बाय नाउ। यहां पर आपको एक पहचान देखने को मिल रही है बाय नाउ। हालांकि मैंने टेंस के अंदर इस पहचान को नहीं बताया, लेकिन इसके सिमिलर वर्ड्स आपको जरूर बताए हैं, जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, एवर। इन सब का मतलब भी आप देखेंगे तो यही मतलब होता है अब तक, और बाय नाउ का मतलब भी होता है अब तक, जस्ट नाउ का मतलब होता है अब तक, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। यानी ये वो वाले शब्द हैं जो इसके सिमिलर हैं। तो कई बार अपने को सिमिलर वर्ड की भी पहचान करनी आनी चाहिए कि कहीं मटेरियल के अंदर कोई पहचान नहीं दे रखी है लेकिन उसका मिलता जुलता शब्द है तो वह आपको टेंस के बारे में बता देगा। तो यदि वाक्य में जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, एवर, नाउ, बाय नाउ ये शब्द दे रखे हैं तब आपको कौन सा टेंस काम में लेना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब काम में ली जाती है? हैज या हैव के साथ में
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन यहां पर आई सब्जेक्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब लगा देंगे हैव और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लर्नड। तो आई हैव लर्नड ऑल द लेसंस टेंसेज बाय नाउ, इसका मतलब होता है कि मैं अब तक सारे टेंस सीख चुका हूं, यानी सीखने का काम पूरा हो चुका है और उसकी प्रेजेंस भी दिखाई जाती है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन ने पहचान देखी थी कि दिया हुआ काम तो हो गया हो लेकिन उसकी उपस्थिति प्रेजेंट के अंदर दिखाई जाती है। अगला सेंटेंस अपना आता है कोलंबस, खाली जगह दे रखी है डिस्कवर अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स एगो। क्या पहचान दिख रही है इस वाक्य के अंदर? एगो शब्द दे रखा है। तो यदि वाक्य के अंदर लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, प्रीवियस डे, पिछला समय, एगो, इस प्रकार के कोई शब्द दिए हुए रहते हैं तो ऐसा वाक्य किस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। और 400 ईयर्स दे रखा, 440 का मतलब है कि ये बीते हुए समय की बात बताएगा। बीते हुए समय की बात बताई जाती है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। और वर्ब किस प्रकार की काम में ली जाती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य अफर्मेटिव है ये, इसलिए अपन यहाँ पर डिस्कवर के सेकेंड फॉर्म को काम में लेंगे, क्रिया लग जाएगी डिस्कवर्ड। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स एगो, यानी कोलंबस ने 400 साल पहले अमेरिका की खोज की थी। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं, सेवंथ सेंटेंस अपना का आई खाली जगह दे रखा है नॉट फिनिश माय वर्क येट। तो यहां पर भी आपको एक पहचान दे रखी है, वो दे रखी है येट। कौन से टेंस के अंदर आती है ये भी? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, एवर, ऐसे शब्द हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। और वर्ब अपन कौन सी लगाते हैं? हैज एव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन लिखेंगे यहां पर आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना कार्य नहीं किया है। नाउ वी कम एट द लास्ट सेंटेंस दैट अनलेस यू, फिर खाली जगह दे रखी है टेल मी द होल थिंग, आई फिर खाली जगह दे रखी है नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। देखिए यहां पर दो सेंटेंस दे रखे हैं और वाक्य के अंदर पहचान दे रखी है अनलेस की। तो चाहे अनटिल हो, टिल हो, अनलेस हो, एज सून हो, एज हो, एज लॉन्ग एज हो, वेन हो, इफ हो, इनमें से कोई भी शब्द हो, कोई कनेक्टिव दे रखा है और वाक्य के शुरू के अंदर दे रखा है। तो अपन ने देखा था कि वहां पर दो प्रकार के टेंस अपन काम में लेंगे। कनेक्टिव के ठीक पास में जो सेंटेंस आ जाता है उसके अंदर तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं, और दूसरे के अंदर अपन फ्यूचर सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। तो इस कनेक्टिव के ठीक बाद वाला जो वाक्य है उसके अंदर तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की यू के साथ में कौन सी वर्ब काम में लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो आई, वी, यू, या प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एज इट इज वर्ब लिख देते हैं, यानी टेल का टेल रह जाएगा। और सेकंड सेंटेंस द होल थिंग, कि जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे आई शेल नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यानी ये एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ओपन कंडीशन जब बताई जाती है तो एक काम करेंगे तो दूसरा होगा, ये बात बताई जाती है। यानी जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगे इस मामले के अंदर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के टेंस का उपयोग किया गया है। ये आइडेंटिफाई करते हुए अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करना होता है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना होता है। यह अपना टेंस का चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होता है।
अगला अपन चैप्टर लेंगे पैसिव वॉइस का, तब तक आप अपने मटेरियल से इसकी एक्सरसाइज को करते रहिए, देखते रहिए, ओल्ड पेपर्स जो भी है उनको भी आप सॉल्व करके देखिए कि आप कितना उनको कर पाते हैं। थैंक यू।